फ्रेंड हाय, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ कीमा, आलू कीमा। आलू कीमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली थी 3 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टमाटे, 2 आलू। अब हम प्याज को डालते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्रेंड्स सुनिए, यहाँ पर प्याज हमारी जब गोल्डन हो जाएगी, गोल्डन गोल्डन कलर में आ जाएगी, तब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन और टमाटर। तो आप जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी प्याज हल्की गोल्डन हो चुकी है, हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और टमाटर। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हमने जो प्याज टमाटर और अदरक लहसुन जो ऐड किया था हमने इसमें, वो सारा अच्छी तरह से भून चुका है। भून जाने के बाद हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम अपने मसाले को भूनने देंगे, फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। देखिए ये कीमा है, हमें कीमा हाथ का लेना है, मशीन का नहीं लेना है। देखिए मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया है। अब हम इस कीमे को अपने अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से हमारे मसाले में मिल जाए। कीमा ऐड करने के बाद हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। देखिए कीमा हमारा अच्छी तरह से इसमें हमारे मसाले में मिल चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं बना रहा हूँ प्लेन। फ्रेंड्स ये मेरा भाई है छोटा, ये प्लेन बना रहे है, ऐसे कुछ भी करता रहता है। तो आज वो मेरे खाने वाले वीडियो के साथ ये प्लेन का वीडियो बनाने बोल रहा था, तो मैं बना। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा कीमा जो है वो हमारे मसालों में अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी और उसे फिर से अच्छी तरह से पकने देंगे। अभी तो फ्रेंड मेरा ये बना, देखिए ये अभी यहाँ स्क्रू लगा रहा है ना, अब उसको वहाँ यहाँ नहीं स्क्रू लगाना है, इसको अब यहाँ स्क्रू लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा कीमा जो है वो हमने इसमें पानी डाला था वो थोड़ा पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू अच्छे तरह से इसमें पक जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कोथमीर।
देखिए हमारा जो खीमा है वो अच्छी तरह से पक गया है और हमारे आलू जो है वो अभी अच्छी तरह से गले नहीं है, तो हम आलू को थोड़ी देर और अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी कोथमीर। जाएंगे और फिर इसे ढक देंगे। देखिए हमारा खीमा पक चुका है, अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और आपको बताएंगे ये कैसा बना है। तो गाइस आज मैं चेक करके देखूंगा इस खीमा कैसा बना है। अच्छा है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा ये तो देखते ही रह जाओ, कुछ और ही गड़बड़ हो जाएगी। बाय बाय गाइस। दिमागी।